समझो कि एक समय कोई बहुत बड़ा धनी गरीब बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, वो मेला देखने के लिए गया। जब गया वो अपना साथ में अपना छोटे बच्चे को भी ले चला। अभी मेला में बड़ा टहल चहल है, कहीं सर्कस है, कहीं नाटक है, कहीं थिएटर है, और बच्चा अभी पिताजी का अंगुल पकड़ करके हैं पिता एक एक चीज को दिखा रहा है, और बच्चा बड़ा खुश होकर देख रहा था। हो गया जरूर, इसलिए बड़ा खुश होकर के बच्चा देख रहा था। देखते देखते आवेश में आकर के थोड़ी देरी बाद में पिताजी का जो हाथ बच्चे के हाथ से अलग हो गया। अलग हो गया तो देखा पिता भी अलग बेटा भी अलग। कहते वही मेला वही सब कुछ है, लेकिन वह मेले के अंदर में बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, मेरे पिताजी कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए। अभी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बच्चा का कहीं पिता हो गया। अभी कोई इसको खुश करने के लिए कोई टफी देता है, और थोड़ी दिन के लिए थोड़ी समय के लिए चुप, फिर रोने लग जाता है, मेरे पिताजी कहाँ मेरे पिताजी कहाँ। कोई थोड़ा खिलौना देता है, थोड़ी समय के लिए चुप, बोले मेरे पिताजी कहाँ पिताजी। कोई थोड़ा मिठाई देता है, लेकिन थोड़ी समय के लिए तो चुप होता है, लेकिन उसके बाद में फिर पिताजी के लिए रोना शुरू कर देता। कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले देखो जब तक उसको पिताजी को पास में उसको नहीं पहुँचा दो, भले ही उसको जो कुछ चीज क्यों नहीं दिया जाए, उसका रोना बंद नहीं होगा। उसको ढूंढो उसको पिताजी कहाँ है। इतने में वो ढूंढने लगा, थोड़ी दूर जा करके देखा एक व्यक्ति पागल हो करके सबको पूछ रहा है, मेरे छोटा बेटा कहीं खो गया, कोई देखे हो मेरे छोटा बेटा कहीं खो गया। बोले हाँ वहाँ पर देखा है, एक छोटा बच्चा रो रहा है, पिता पिता करके रो रहा है। बोले कहाँ पर, बोले वहाँ पर नीला शर्ट पहना हुआ। बोले नीला शर्ट, बोले हाँ, बोले मेरा बेटा, बोले ले चलो उसको ले। बोले ये तेरे बेटा है, बोले हाँ ये मेरे बेटा है। बोले ये तेरे पिताजी, बोले हाँ ये फिर पिताजी। बस बच्चे को अब खिलौना की जरूरत नहीं, मिठाई की टफी की कोई जरूरत नहीं। पिता तो बहुत बड़ा धनी है, पिता तो बड़ा धनी है। बस जब पिताजी मिल गए बच्चा खुश हो गया। कहते उसी तरह ये संसार भी एक मेला है। कहते ये मेला में, कहते ये मेला में कब तक वो बच्चा खुश रहा, बोले जब तक पिताजी का अंगुल पकड़ रहा था तभी वो आनंद रहा था मेला का। लेकिन वही मेला वही सब कुछ, लेकिन उसके अंदर में बच्चा रो रहा है। क्यों? पिताजी के हाथ से बेटा का हाथ अलग हो गया है, हैं इसलिए रो रहा है। हम भी संसार में रो रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई भैया से दुखी, कोई मैया से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी दुखी, हाँ दुखी दुखी है ये संसार। क्यों? चुके कहते ये ठाकुर जी के हाथ से हमारी हालत भी अलग हो गया, भगवान से हम छूट गए, भगवान से अलग हो गए, इसलिए संसार में रो रहे दुखी दुखी। अब ये दुख दूर करने के लिए जैसे कोई ये कपड़ा दे दिया, बोले भैया कपड़ा ले लो, थोड़ी सुख हो गया, लेकिन कपड़ा कब तक रहेगा, दो तीन मास हुआ तो फट जाएगा, फिर दुखी। भले किसी ने तुमको थोड़ी सी पैसा दे दिया, थोड़ी समय के लिए सुखी, दो दिन बाद में पैसा खत्म हो गया, दुखी। कहते हैं कुछ दिन बाद में फिर कोई बीमारी हो गया, थोड़ा मेडिसिन दे दिया तो थोड़ी समय के लिए सुखी, फिर दुखी। कहते ये संसार में हमें भी लोग मदद कर रहे हैं, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई हमें दवा दे रहा है, लेकिन ये दया तो दया है, लेकिन पूर्ण दया नहीं। लेकिन उसको ऊपर में पूर्ण दया किसने की है, किसने किया बोलो? जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके ला दिया है, पिताजी को ढूंढ करके ला दिया। जब पिताजी मिल गए, पिता तो अथा संपत्ति का मालिक है, हैं अथा संपत्ति का मालिक, जब पिताजी मिल गए फिर उसको टफी कपड़ा फपड़ा देने का जरूरत नहीं, पिता ही सब कुछ देंगे। कहते उसी तरह, कहते हमें सब दया कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दया किसी ने किया जो हमें लेकर के ठाकुर जी को साथ में मिला दिया, हमें लेकर गुरु वैष्णव को साथ में हमें मिला दिया, ठाकुर जी को साथ में मिला दिया। कहते उसका जो दया है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं अमंद उदय दया। महाप्रभु का जो दया है जिसमें कभी मंद हो ही नहीं सकता है, इसलिए गोपियां कहती हैं सबसे बड़ा दान किया है, मतलब जो भगवान की कथाओं को जो दान करते हैं, इसलिए कहते भूरिदा जना, जगत में सबसे बड़ा दान जो भगवान की कथा दान करते हुए जो हमें भगवान को साथ में जोड़ देते हैं, उनका दान जगत में सबसे बड़ा दान है।
अभी हमारे श्री मुरारी महाराज कुछ बोले। आप कुछ बोलोगे प्रभु ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरसुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्ति च मुक्ति च ददाति नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरंगरंगनी जटाकलापं गौरी विभूषित नित बाम भागम नारायण प्रियानंग मदापहारम वरानसीपुरपति भज विश्वनाथम बागीश जस बदने लक्ष्मीर्जस वक्षसी यशास्ति हृदय संविद तम नरसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पदम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव एवं वैष्णवों को यथा योग दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत की जो प्रथम स्कंध है इसको श्रवण कर रहे हैं। अपार कृपा भगवान की पांडवों के ऊपर। यद्यपि पांडव क्या हैं उनके नित्य परिकर, अपार भगवान की कृपा हुई पांडवों के ऊपर। जो कि ये कौरव सेना कैसी थी, एक सागर के समान समुद्र के समान थी, उसका ओर छोर नहीं था, उसको पार करना इतना आसान नहीं था। फिर भी यद्यपि अर्जुन बड़े वीर हैं, अर्जुन की ख्याति तीनों लोक में फैली हुई है, अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं कि जिस तरफ से अर्जुन लड़ रहे हैं और जिस पे अर्जुन जिस राजा के ऊपर चढ़ाई कर देते थे विपक्षी दल थर थर काँपने लगता था, इतनी ख्याति है अर्जुन की। अर्जुन इतना ही नहीं, अर्जुन जो है स्वशरीर स्वर्ग गए थे, वहाँ उन्होंने निवात कवच नामक 3 करोड़ जो असुर थे उसका उन्होंने संहार किया था वहाँ जाके। ये जो है कौन है, ये कश्यप ऋषि के पत्नी एक कालका है, इनके पुत्र हैं ये निवात कवच जो है, इसकी संहार किया था। उसके बाद अर्जुन जो है युद्ध में शंकर जी को प्रसन्न कर दिया था, पास दिया था, कोई साधारण नहीं थे अर्जुन, इतनी इनकी ख्याति है। फिर भी जो ये महाभारत की युद्ध ऐसा था कि सागर के समान, इस सागर में जो बड़े बड़े तिमिंगल थे भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि, जिसको जिससे भी देवता तक जिससे पराजित हो जाया करें, इतनी सामर्थ्य थी। यद्यपि अर्जुन के पास क्या है, समस्त दिवस्त्र उनके पास था, स्वर्ग जाकर ले आए थे, फिर भी जो है कौरवों के विपक्षी दल भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि अपने कभी न चूकने वाले बाण को अर्जुन पर छोड़ा था, जो कभी चूकता नहीं, फिर भी भगवान की कृपा से वो अर्जुन को छू तक नहीं गया, अर्जुन बने रहे वैसे, ये सब भगवान की कृपा थी। उस महाभारत युद्ध में जो है भगवान की चरण आश्रय करने के कारण ये पांचों पांडव अनायासी उस भवसागर से बाहर निकल गए। जब वहीं भगवान पांडवों को भक्त की इतना वश्यता है जिस कारण जो है उनकी यहाँ तक कि रक्त चलाया, जो
नौकर तक बन गए, राजसु अग्नि में स्वयं ऋषियों के चरण धो रहे हैं, ये सवालिया थी। और इस तरह से पांडवों के सुहृद यम निर्लोके बत भूरी भाग, वो श्लोक है ना उसमें बताया, ये शाम गिरना और स्थिति साक्षात गुणम परम्परम मनुष्य लिंगम, मनुष्य रूप में जो है भगवान पांडवों को सुहृद सखा यहाँ तक कि नौकर इत्यादि भी बने हुए हैं, ये सब प्रेम की वश्यता है। पांडव की इतनी भक्ति उत्कृष्ट है कि जो भक्ति भगवान को बाध के रखी है, जाने नहीं देती। मद भक्ति ही सर्वभूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, भगवान की भक्ति अमृत को प्रदान करने वाली है। लेकिन जो वहाँ तो गोपियों को बोल रहे हैं कि हे गोपियों, तुमने मेरे क्या किया है, मेरे को बाध रखा है भक्ति से, मैं चुम्ब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसे ही पांडव लोग जो भगवान को यहाँ अपने प्रेम से बाध रखा है, इसलिए जितने भी विपत्ति हुई सब समय पांडव के भगवान ने उनकी सहायता की, निवारण बने। अब हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हुए, और इधर युधिष्ठिर महाराज जी को राय तिलक करके बहुत ही प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर महाराज समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी की राजा थे, और भगवान की बहुत ही प्रसन्नता हुई जब इस तरह से युधिष्ठिर के राज्य में सब भाई अनुकूल थे, सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहा करती थी। समय अनुसार वृष्टि होती, और जो किस तरह से आदि व्याधि युधिष्ठिर के राज्य में था नहीं, सब प्रजा की जो कुछ भी आवश्यकताएँ होती राजा पूरा करते। समय पे जो है वृष्टि होती, समय पे पृथ्वी समस्त वांछित वस्तुओं को उत्पन्न करती। ऐसा क्यों होता है बता रहे हैं कि जब आप भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, तो जो अधिकारिक देवतागण हैं, भगवान ने जिसको अधिकार दिया है, वो जो है आपके अनुकूल चीज़ें देंगे, प्रतिकूल नहीं देंगे, जिससे क्या हो आप भगवान की यजन करेंगे उसमें बाधा न पहुंचे। अभी ऐसा नहीं है, अभी जो है देवता हमारे ऊपर कुपित हैं, क्रोधित हैं, इस कारण जो है कभी ऐसे तूफान आता है कि उड़ीसा में क्या हुआ, कभी जो है इतनी वृष्टि हो गई कि गांव के गांव ढह जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ भूकंप आ गया, कभी कुछ आ गया, ऐसा हो रहा है। क्यों? अनुकूल नहीं है, अनुकूलता नहीं है, भगवान से भक्ति से सभी शून्य हो रहे हैं। बोल रहे हैं गीता में है, इष्टान भोगान देवा दास्यंत यज्ञ भावित तरदत्ता प्राय भो यो भुंक्ति अस्तेन एव स। बोले कि इष्टान, जब इष्ट के लिए आप यज्ञ करोगे तो इष्ट क्या करेंगे, समस्त वांछित वस्तुओं को उनको प्रदान करेंगे, उस वांछित वस्तुओं से क्या करेंगे आप, भगवान की यजन करेंगे, आवश्यकता अनुसार वृष्टि होगी, आवश्यकता अनुसार सब कुछ होगा, जैसे जीवन को एक सुचारू रूप से चला सके, देवता कभी भी बाधक नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि आप भगवान की यजन कर रहे हो। और जब ऐसा नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, जब ऐसे हो रहा अभी करुणा हो रहा, अनेक अनेक जो सभी लोग भयभीत हैं सभी तो मैं बता रहा था कि जो है इस तरह से हिंदू सब जात पात भेद विचार छोड़ करके सबके सब रोड में निकले, और सबके सब रोड में निकल कर जब हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया ना, हरि कीर्तन का प्रभाव से धीरे 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 सारे रोग खत्म हो गया। हमारे गांव में ना, मैं गांव का बच्चा हूँ, हमारे गांव में जब कई ऐसे महामारी होता था, हमारे देश में तो आपको पता होगा, अभी तो मेडिसिन कोई निकला, अभी तो कोरोना की नहीं निकले, उस समय जो हैजा होता था, बोले गांव के गांव ख़त्म, एक को जला करके आए, दूसरा मरा पड़ा हुआ, एक को उसको तीसरा को जला करके आए, चौथा मरा पड़ा हुआ, कहते एक को बाद में धीरे धीरे करते 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 गाँव के गाँव ख़त्म हो जाता था, ऐसे हो जाता था। लेकिन हमारे गांव में क्या करते थे, जैसे कहीं आग लग गई है था, ऐसे होता था बिना कारण से, हम एक गांव का बच्चा हूँ, इसलिए गांव में और जो घर होता था भूस का उसमें एक बार गर्मी का समय आग लग गया तो गांव के गांव जलकर ख़त्म हो जाती थी, गांव के गांव,
फिर हमारे गांव में क्या करते थे, मृदंग मजीरा लेकर की पूरा गांव में हरि कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे। देखो ये पुराण का श्लोक है, बोले सर्व उप सर्व रोग विनाशनम सर्व उपद्रव समनम। इस श्लोक में कह रहे हैं बोले सर्ग सर्व रोग उपशमनम, बोले भगवान का कीर्तन से कभी जितने रोग नष्ट हो जाता है, बोले सर्व व्याधि उपशमनम, जितने तरह का व्याधि आदि वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। बोले शांति दम, बोले कीर्तन से शांति मिलती है। सर्वारिष्टम, बोले जितने तुम्हारी अरिष्ट है सारे अरिष्ट खत्म हो जाते हैं। बोले हरे नामान कीर्तनम है, बोले अच्युत नाम अच्युतानंद गोविंदम नाम उच्चारण मात्रे न नश्यन्ति सकल रोगा नात्र संशय। कद अच्युत ना अच्युत गोविंद नाम उच्चारण कर से नश्यन्ति सकल रोगा, कद समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई अविश्वास नहीं करनी चाहिए, इसलिए भगवान के नाम से ना सब दुख कष्ट दूर हो जाएगा। अगर सारा दुनिया अभी कीर्तन करना शुरू कर दे, हाँ सही है ये करुण, इस शास्त्र कहता है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे। गुरुदेव बोलते थे जैसे कि पत्थर उठाओ पानी में फेंको, क्या होगा, उसमें लहरी आएगी, लहरी आते आते धीरे 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 अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दोबारा लहरी आएगी। कि जब भगवान का कीर्तन करते हैं ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द बोल रहे मधुरम मधुरम तत् मंगलम मंगला नाम, भगवान का नाम मधुर से भी मधुर और मंगल से भी मंगल है भगवान का नाम। जब भगवान का कीर्तन कति कीर्तन का ध्वनि जितने दूर तक तो जाए भगवान का नाम, कति सारे रोग दुख कष्ट को ये खत्म कर देता है। बड़ा ताकत भगवान का नाम, इसलिए इस समय क्या रोज बाहर निकल करके मजीरा कीर्तन लेकर के मजीरा मजीरा मृदंग लेकर के गली गलियों में कीर्तन करो, नहीं सही बात है जो हाँ नहीं कोई नहीं मारे बोल पुलिस ये बोल सी ना पुलिस दे आर बिंग अटैक सदगो ऊपर करो ये कैन डू कीर्तन हियर देन साउंड गोइंग विदाउट पुलिस कैचिंग बोले व्हाई यू आर सो मेनी पीपल हियर ऑलिवर करो और छत के ऊपर कर देते हैं छत के ऊपर कॉल करते हैं ऑलिवर आया ना यू कैन डू इन रूफ रूफ टेररिस्ट तो युधिष्ठिर के राज्य में क्या था, समस्त धन संपदाएं थी, फिर भी उनकी बुद्धि सिर्फ भगवान में लगी रहती थी, जो अकिंचन रूप से जो जिनका जिनके पास अपने लिए कहने के लिए कुछ नहीं था। इनकी बुद्धि युधिष्ठिर महाराज पांडवों की बुद्धि भगवान में ही हमेशा लगी रहती थी। जिस तरह से संसार की वस्तुएं किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जा रहा हो, उसके बाद कहा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम धन चाहते हो, सुंदर स्त्री चाहते हो, या तुम्हारे नाम इतने अकाउंट में करा दूं ये चाहते हो, पहले तुम फांसी से बचा। इस तरह से उस समय उसकी अवसर क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या करना चाहिए हमें। फांसी पर जिसकी लटकाया जा रहा हो उसकी इच्छा ये होगी, ऐसे ही सब कुछ संपदा होने के बाद भी इनकी अविचल बुद्धि कृष्ण में लगी हुई थी, कृष्ण इनके एक सर्वस्व थी, इसलिए जानते थे इस जीवन की आवश्यकता आवश्यकता क्या है, जानते थे कि जो हमें जो शरीर मिला है ये सब समय के लिए नहीं मिला है, कुछ समय के लिए है, ये इससे हमें जाना पड़ेगा। इसलिए परमार्थ की सिद्धि इसी में हो सकती है, कृष्ण भक्ति ही और परमार्थ है, जानते थे युधिष्ठिर महाराज। जैसे हम क्या इसके विपरीत आचरण करते हैं, हम धन संपदाय अर्जन करने की चेष्टा करते हैं और जो ये नष्ट होती है हमारा इसमें शोक होता है, आसक्ति बनती है, ये पूर्व जन्म का कारण होता है। जैसे कि एक एक भिखारी अपने गरीब इतना था कि उसको खाने को नहीं मिलता था और जो कुटिया बना के ऐसे झोंपड़ी बना के रहा करता था, अपने दुख से तंग होकर वो एक शमशान में जा कर के तपस्या करने लगा, शमशान में गया कि तपस्या कर रहा। उसके बाद कुछ समय तपस्या करते करते क्या हो रहा, एक भूत प्रकट हुआ और बोल रहा है कि मैं जानता हूँ
कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, तुम जो है गरीब दरिद्रता तुम्हारे इतना दरिद्र हो गए हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये आशीर्वाद करता हूँ कि ये मेरे पास एक पारस पत्थर है, इसको ले जाओ, 7 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, 7 दिन में तुम जाओ चाहो जितने लोहा को उससे छुआ करके सोना बना लो, मालो हो जाओगे। बहुत खुश हुआ, अब पारस पसंद मिल गया, अब ले आ करके जो है कुटिया में रखा, नहीं इधर उधर देखा कोई लोहा नहीं पड़ा, क्या करूं। अब जो है इतनी सबसे उधार कर्जा इत्यादि ले रखा था कि जो है सोचा कि कुछ बाजार से लोहा खरीद के लाऊं, लेकिन सबके पास गया किसी ने पैसा नहीं दिया, जो इतना जो कर्जा ले रखा था इतना इस कारण कोई देने को राजी नहीं हुआ, कहाँ से चुकाएगा। बहुत हाँ उन्होंने भी नहीं किया, फिर भी नहीं। फिर जो है संसार में हर तरह के लोग हुआ करते हैं, एक सुदखोर ने कुछ अधिक सूद पे कुछ रुपया दे ही दिया, फिर किसी सलाह लिया भिखारियों में कि मैं कुछ लोहा खरीदना चाहता हूँ, किसी ने सलाह दिया कि ऐसा करिए, एक दिन ऐसे लग गया, ऐसा करिए कि आप मुंबई चले जाइए और वहाँ जो कंपनी से खरीदिए। तो जो है वो दूसरे दिन मुंबई के लिए ट्रेन पहुँचा पकड़ा, और फिर जो है तीसरे दिन मुंबई पहुँचा, अब चौथे दिन वहाँ से लोहा उसको मिल गई, अब जो गाड़ी वाड़ी में लोड करा लिया, पांचवे दिन जो बगल के जो पास के स्टेशन था वहाँ तक आ गए, छठे दिन उसको लोड कराया, यहाँ से लाने की अब समस्या, अब जो है सातवें दिन लोड करा दिया सारा कुछ, सारा सामान लोड करा के ले आ रहा, संयोग से क्या हुआ रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अब जो है लोहा कैसे घर पहुंचे, ये तो बहुत दिक्कत हो गई, पारस मणि तो घर में साथ में वही तो भाई कॉपी किया ले आता तो क्या होता, फिर तो सब देखते ना, इस कारण पारस मणि लगा, अब तो जो है अब क्या हो रहा ये मिस्त्री इत्यादि खोज रहा है कि जल्दी से गाड़ी ठीक हो तो पहुंचे, 3 बजा 4 बजा 5 बज गया, अब जो है सूरज अस्त होने वाले हैं, बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके बाद वहाँ चुनाव तुरंत ही भूत प्रकट हो गया, बोला कि पारस मणि दो, और एक क्षण के मुहूर्त न देखे वो पारस मणि लेके भाग गया, एक गरीब आदमी हाथ माथा पीटता रह गया। इस तरह से देखो कितना शिक्षाप्रद है, इस तरह से हमारे शरीर जो मिला है, ये जो इसमें 5 किलो और 50 करोड़ किलो सांस जो है अबंटित है, ये एक पालतू नहीं ले सकते, ये जो इसी प्रकार से जो पारस मणि के समान हमारा शरीर है, शरीर इसलिए इसको जो है क्या करना है, जो हमें समय मिला है 50 किलो चाहे 50 करोड़ किलो सांस मिला है, इसी में साथ हमें परमात्मा के लिए चेष्टा करना है, वरना काल जो एक क्षण की मोहलत नहीं देगा, ले जाएगा। अब जो अंत काल में जो सोचोगे नहीं मैं थोड़ा भजन कर लूँ फिर ले जाना हाथ जोड़ना, तो ऐसा नहीं है, एक मोहलत भी आपको नहीं मिलेगा, इस कारण अभी और इसी समय भजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि काल की गति इतनी वक्र है कि कोई नहीं समझ सकता, काल की गति ऐसी वक्र है जैसे कि रात्रि में अंधेरा में कुहासा का पता नहीं चलता है, दिन में सूरज के प्रकाश में जुगनू का पता नहीं चलता, ऐसे ही इतनी वक्र काल की गति है, इसको समझ पाना आसान नहीं है, जिसने जो समय को पकड़ लिया उसका भजन हो गया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी ये जानते थे, इसे जानते थे कि जो है जीवन हमेशा के लिए हमें नहीं मिला है, इस कारण इसकी बुद्धि हमेशा भगवान में ही लगी रहती थी। उसके बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए, 3 महीना तक वहीं हस्तिनापुर में ही रहे, उसके बाद भगवान ने द्वारिका गमन किया। इधर विदुर जी तीर्थ भ्रमण करते हुए वहाँ हस्तिनापुर आए और देखे कि युधिष्ठिर महाराज की राज्य कर रहे हैं और जो गंधारी जो धृतराष्ट्र हैं इनकी जो वृद्धावस्था आ चली है, और जो ये जो है जैसे कि वृद्धा समय किसी को आदर नहीं किया जाता, एसपी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा नहीं था, फिर भी उस समय विदुर जी जो है उसको उपदेश कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तुम किस लिए इसे यहाँ जो राजमहल में पड़े हुए हो, तुम राजमहल में पड़े होके कौन सा परमार्थ सिद्ध करना चाहते हो, अभी जो है तुम्हारे अपने सामने अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखा, और जो आप देख रहे हो कि जो है अभी तुम्हारे शरीर को वृद्धावस्था ने ग्रस कर रहे, तुम्हारे जो
अभी तो कुछ परमार्थ के लिए चेष्टा कर लो। अब किस लिए इस तरह से बहुत उपदेश दिया कि इस संसार के है असार है। कृष्ण बोले असार संसार खलु दुख स्वरूपी बिमाख श्रुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते अनिशम न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मौनि एकांतिक दीविनः। कौन सुखी है इस संसार में? बोले कि इस संसार असार है। सार वस्तु क्या है? ये भगवान की अजन करना ही सार है। ये इस सार को जिसने ग्रहण कर लिया, फिर बोल रहे हैं दुख स्वरूपी, यहाँ तरह तरह की कष्ट विपदाएं हैं। सब लोग अभी भी कभी भी जो है ये राम राज तो होगा नहीं कभी, और ना ये युधिष्ठिर महाराज की राज जैसा होगा। राम राज भी ऐसा था कि जो मरना नहीं चाहता तो मृत्यु भी नहीं होती थी, ऐसा था राम राज्य में ऐसा था प्रजा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो है जो यहाँ कह रहे हैं कि ये दुख स्वरूपी है, कितने तरह की दुख है, और ये दुख से अपने हिस्सा का सुख अपने हिस्सा का दुख ग्रहण करना पड़ेगा। अवश्यमी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तव्यम कर्म जन्म कोटि सैतेरपि। अपने हिस्से का जो किया हुआ पाप और पुण्य ग्रहण करना ही पड़ेगा, संभव ही नहीं है। भक्ति ये काट सकती है इस चीज को, बाकी नहीं संभव है, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए वहाँ उन्होंने बोला कि दुख स्वरूपी है। एक व्यक्ति अपने दुख के कारण बहुत दुखी रहता था। वो बोलता था भगवान से प्रार्थना करते, मैं ही दुखी हूँ, सब तो सुखी दिखाई दे रहे हैं, खाने को पीने को रहने को गाड़ियाँ हैं सबके पास, और मैं कितना अभागा हूँ कि दुखी दुखी दुख है मेरे पास। जो करता है उसको मतलब कष्ट में ही पड़ना पड़ता। अब जो है बहुत ही दुखों से तंग हो गया। एक बार एकांत में भगवान से प्रार्थना कर रहा, हे भगवान मुझे तुम दुख दे लेकिन इतना तो मत दे कि मैं सहन ही नहीं करूं। तुला कौन दुख दिया कौन, मैं ये कहता हूँ दुख मन। तो जो है ये सब प्रार्थना करके वो सो गया, रास्ते पर सोया हुआ है। अब सपने में आ रहा है, देख रहा कि मेरे जो है मैं एक अंधेरी कोठरी है वहाँ प्रवेश कर रहा हूँ, सपना देख रहा है। वो उसमें देख रहा है कि अनेक लोग जा रहे हैं और सबके पीठ के ऊपर एक दुख का गेठर बांधा हुआ है, देख रहा है दुख का गेठरी, दुख का गेठरी बांधा हुआ है पीठ के ऊपर, देख रहा। सब लोग अपने अपने दुख की गेठरी को इकट्ठा करके पीठ पे रखे हुए हैं, देख रहे। फिर देख रहा कि अनेक अनेक लोग घुस रहे हैं, मैं तो नहीं हूँ। फिर जो है सबने वहाँ जो है अपने अपने गेठरी को रख दिया। फिर एक आवाज गुजी कि जिसको अपनी गेठरी चेंज करना चाहता है चेंज कर सकता है। सब लोग दौड़े अपने अपने गेठरी के, किसका कम है मैं ले लूँ। लेकिन देखा कि सब अपने अपने ही उठाए, जिसका जितना था उतना ही उठाए। फिर उसको एहसास हो गया संसार में कोई दुखी नहीं है, सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, और सबके अपना हिस्सा का जो है वही भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से वो जिसने मारे जानते क्या है बता रहे हैं कि संसार दुख स्वरूपी है। अधिभौतिक अध्यात्मिक अधिदैविकी और ये भी है, जन्म मृत्यु दादा व्याधि दुख दोषेन दर्शन, जन्म का कष्ट। भागवत जी में बोल रहे हैं कोई व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु से अपने मृत्यु का कष्ट का अनुमान लगा सकता है, कोई अपने पुत्र के जन्म से अपने जन्म का कष्ट का अनुमान लगा सकता है। ऐसी और है, ऐसा करना चाहिए हमें, जो है इससे बहुत ही शिक्षा मिलती है कितनी कष्टप्रद है। और जो व्याधियां भी इसमें हैं ही, खत्म कर देता हूँ दुख स्वरूपी भी होगा। फिर कौन है सुरतम कस्य धनम कस्य, ये पांडित्य किसका ये धन किसका। पांडित्य धरा के धरा रह जाता है, जो जो मृत्यु काल आएगी तो पांडित्य जितने भी आप चतुराई कर लो भगवान से बच नहीं सकते। और जो है धनम किसका, ये धन किसका है। कितने लोग जो है ऐसे थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जय कर लिया था, लेकिन जो उसकी अस्थियां जो शमशान में पड़ी हुई है जो दूसरा लोग भोग कर रहे हैं, इकट्ठा कर पाया जिसने, संभव नहीं है। तो जो धनम किसका, क्या ये जो शरीर जब बिस्टा बन जाएगा तो क्या ये जो कुत्ते फेंक दिया जाएगा तो नोच नोच कुत्ते खाएंगे, क्या शरीर उसका है, क्या जो फिर जो किसका है शरीर है, क्या ये इस शरीर इसका है जो अभी भोग कर रहा, या जो नहीं रहेगा जो चला जाएगा उसका है।
शरीर के बात बताएं, धन की बात अलग है, किसी का ही वस्तु में नहीं है, वो चीजें वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन जो इसको भोग करने वाला कहाँ चला गया, किस योनि में चला गया, संस्कार के अनुसार पता नहीं। स्वर्गम कस्य धनम किसक स्नेहवान जलती अनिशम, ये जो स्नेह जो है, आसक्ति जो है बहुत बुरा है, आसक्ति के विषय में जो है जलन होता है दूसरे के, मैं होता है कि मैं अधिकारी था, मैं उस योग्य था, इस सम्मान इसको क्यों मिला, मैं तो ये किया है, वो सेवा किया हूँ, ये इस पद का अधिकारी मैं था, इसको क्यों दिया गया। कई लोग अपने बच्चे से रखते हैं कि मैं जो प्राप्त नहीं कर पाया मेरा बच्चा प्राप्त करे, मैं जिस पोस्ट को नहीं अर्जन कर पाया इसको लगाऊंगा, उससे जो लेना है इसकी आसक्ति उसमें लगी हुई है, उसमें कुछ बाधा पड़ता है तो सारा जीवन जो सारा समय दीपक के समय, दीपक की लौ जैसे जलती रहती है, वैसा जलता रहता है। फिर बोले न तो इंद्र से सुखम, इंद्र को भी सुख नहीं है, इंद्र भी जो भयभीत रहते हैं, जो कब असुर लोग आक्रमण कर देंगे, और उनकी भी आयु जो है अवंटित है, इंद्र की भी, यदि भी स्वर्ग में अपार ऐश्वर्य है, स्वर्ग बोला गया नंदन कानन है, अप्सराएं हैं, वहाँ जो सोमरस है, वहाँ जो 3 करोड़ विमान है जिसमें देवता घूमते हैं, भागवत में वर्णन है 3 करोड़ प्लेन है जिसमें देवता को भ्रमण करने के लिए, तो जो है इतना जो वहाँ जो है संपदा है, फिर भी जो भयभीत रहते हैं। बोले न तो इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, इस संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, अपने आप को सुखी नहीं कर पाए, जो है जो जो, जो क्या हुआ, एक मैं कथा सुनाऊंगा, समय नहीं सुना होगा एक जो अलेक्जेंडर था, कल सबने सुना होगा, वो जो सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर जो था, वो जो है विश्व विजयी था, वो जो उसके पास बहुत बहुत डॉक्टर थे, बहुत ही पावरफुल डॉक्टर थे, और जो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे जिस राज्य पर जो आक्रमण करते थे उसको जो लूट लिया करते, और जो इनकी ख्याति समस्त भारतवर्ष में फैली हुई थी। एक बार एक राज्य पे सर चढ़ाई करने जा रहा था, तो अचानक ऐसा हुआ कि इसका शरीर का बल कम गया, शरीर का बल कम गया, अब तो जो है बहुत ही हक्का बक्का हो गया, मेरी शक्ति कहाँ गई, मैं लड़ाई कैसे करूँगा किसी राज्य पे, तो जो मेरी शक्ति कहाँ गई, मैं कैसे युद्ध करूँगा। उनके पास अनेक अनेक डॉक्टर थे, बोला कि भाई डॉक्टरों ये मुझे जो जल्दी शक्ति प्रदान करो और मुझे जवान कर दो, कुछ ऐसा औषधि दो जिससे मेरे पूर्व जैसा बल आ जाए, मैं तो अभी जो लड़ाई करने जा रहा हूँ, विरोधी जो दल है, जो राजा है, उसको मैं कैसे परास्त करूँगा। सबने इसकी डॉक्टर इत्यादि जो थे वैद्य थे, सबने नाड़ी फाड़ी देखी और सब देखा, फिर जो है सबकी सर नीचे हो गया, बोले सर नीचे होकर बोले कि जो है महाराज हम क्षमा चाहते हैं, और आप जो पूर्व जैसे थे वैसे नहीं हो सकते, अब शक्ति वापस नहीं आ सकती। बोला क्यों, क्योंकि अभी मृत्यु, आपकी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु काल उपस्थित होने वाली है, अब ज्यादा दिन आप नहीं बच सकते। ऐसा जब बात सुना वो सिकंदर, तो उसकी आंखों के सामने क्या हुआ, अंधेरा छा गया, और कुछ दिन मौन रहा, फिर बोला अब मैं 3 काम करना चाहता हूँ। सबने कहा, मंत्री तारी बोले, बोलिए हजूर क्या आपकी 3 काम क्या है, आप बोलिए, अंतिम इच्छा 3 है तो बोलिए। बोले कि जितना जो मैं संपत्ति इकट्ठा किया ना धन, उसको क्या करो, सब लुटाओ, बांट दियाओ, गरीबों में सब दे दो, बांट दो इधर उधर। अच्छा दूसरी काम, दूसरा काम यह है कि जो मेरे को जब ले जाना ना संपान घाट जलाने के लिए, तो मेरा दोनों जो बांधते हैं ना उससे दोनों हाथ ऐसे कर देना, नीचे कर देना, ऐसे कर देना। अच्छा ऐसे कर देंगे तीसरा काम, तो तीसरा ये करना कि जो है जब मेरे को शमशान घाट ले जाना तो सब डॉक्टर के साथ में ले जाना। मंत्री ने रहस्य पूछा, ये सब तो मैं हम कर देंगे, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बोले कि जो जितना धन संपद इसलिए लुटाओ कि लोग को शिक्षा मिले कि जो विश्व विजयी सिकंदर था उसने सब कुछ इकट्ठा किया लेकिन कुछ उसके काम नहीं आया, सब दूसरे लोग भोग किया। अच्छा तो दूसरा ये कि जो विश्व विजयी अपने आप को समझता था लेकिन हाथ खोले आया हाथ पसारे गया, ऐसे दो हाथ बाहर रहना चाहिए। और तीसरा काम ये कि डॉक्टर इसलिए जाए, कितना भी डॉक्टर जो है कितना भी कहीं से भी डिग्री प्राप्त हो और कुछ भी उसके अनुभव हो लेकिन मृत्यु काल आती है तो वो भी नहीं बचा पाता, इस कारण जो है इस कारण जो है क्या करें, डॉक्टर भी साथ में जाके देखे, ये इससे जगत शिक्षा प्राप्त करे। इसी कारण इसीलिए जो
वहाँ ये चीज़ बता रहे हैं, वहाँ ये चीज़ बता रहे हैं कि जो मृत्यु आती है तो कोई भी बता नहीं सकता, मृत्यु तो नित्य है। और जो स्वर्ग में सुख, पृथ्वी के जो मैं बता रहा था पृथ्वी में कितने कितने बड़े बड़े सम्राट हुए थे, सब के सब भोग कृष्ण की बहुत भोगने की, सिकंदर को देखो भोगने की चेष्टा की लेकिन समय साथ नहीं दिया, इसकी शरीर वहीं छूट गया, धन संपदा ऐसे ही पड़ी हुई है। फिर बोल रहे हैं न चक्रंति न सुखम अस्ति विरक्तस्य मौनी एकांतिक दीवना। इस संसार में कौन सुख है? मौनी साधु ही सुख है। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि कोई काम क्रोध इंद्रियों को वेग को जो इस संसार में रह के सहन करना सीख लिया वो संसार में रह के सुखी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो काम क्रोध के वेग को जो सहन करने में सक्षम हो गया, नारद जी जब ध्रुव इसके उपदेश दे रहे थे ध्रुव महाराज को, तो बोले कि संसार में अगर सुखी रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, दूसरों अपने से बड़े को देख, गुण को देख के, अपने से जो सीनियर है उनके गुण को देख के आप प्रसन्न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए, बराबर हैं उनको देख के उसके स्वार्थ भाव होना चाहिए, मित्रता व्यवहार होना चाहिए, छोटे हैं उनके प्रति आपकी स्नेह होना चाहिए, ऐसा अगर भावना बना लोगे तो आप सुखी रह जाओगे संसार में, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए जो साधु हैं जो संसार से विरक्त हैं यही जो है इस संसार में सुखी रह सकते हैं। अभी बहुत समय हो गया। वंशा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु भेव चौपता नाम पावनी भेव स्ने भोन बोलोगे कल 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 बोलना ठीक कल में जो बाकी रहेगी कल बोलना। ओम ज्ञानतिमिरं धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? कृष्ण कैसे द्वारका में पहुँचे और कृष्ण द्वारका में बड़े सुखपूर्वक विराजमान हो रहे थे। इधर क्या हुआ? युद्ध से पहले विदुर जी तीर्थ पर जटने में चले गए थे, क्योंकि विदुर जी कृष्ण के परम भक्त है। बोले अगर यहाँ पर रहेंगे किसी ना किसी पक्ष लेना पड़ेगा और साधुओं को ही लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है, वो तो भगवान की भजन में मस्त रहने वाले, इसलिए वो पहले से ही तीर्थ पर जटन में निकल गए। और जब महाभारत युद्ध संपूर्ण समाप्त हो गया है, जब समाप्त होकर दुर्जय जब श्री युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठे और बड़े सुखपूर्वक सब कुछ राज्य को चला रहे थे, इतने में श्री विदुर जी वापस आए। जब विदुर जी वापस आए इतने में युधिष्ठिर पंच पांडव श्री विदुर जी को बड़े सम्मान और स्वागत किया। तब उन्होंने बोले ये विदुर जी ये तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों गए थे? कहते ना भगवत द्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी सांत्वस्तेन गदावृतम। कहते वैष्णव को तीर्थ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हृदय में भगवान को जो धारण करके रखे जिनकी चरण से ही सारे तीर्थ प्रकट हुए, इसलिए वो साधु ही साक्षात ये तीर्थ है। ये चलता फिरता हुआ तीर्थ कौन है? कहते साधु। ये चलता फिरता हुआ तीर्थ ये साधु है। फिर ये साधु लोग फिर तीर्थ क्यों करने जाते हैं? बोले कारण है, बोले तीर्थ कुर्बंती
तीर्थानी, जितने पापी लोग आकर के तीर्थ में स्नान करके सब पाप छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब गंगा आ रही थी है, जब गंगा आ रही थी उन्होंने बताया ना, मेरे दो समस्या को दूर करो। बोले क्या? बोले पहला समस्या है मेरे बेग को कौन धारण करेगा, दूसरा समस्या है जो पापी लोग आकर के स्नान करेंगे उसको पाप को फिर मेरे से पाप से मेरे को मुक्त कौन करेगा। बोले कोई चिंता नहीं शंकर जी, बोले मैं स्वयं आपको धारण कर लूंगा। जैसे पापी लोग उसमें स्नान करेंगे, पापी लोग उसमें साधु लोग भी तो स्नान करेंगे हैं, साधु लोग तो उसमें स्नान करेंगे, इसलिए जब साधु लोग स्नान करेंगे क्या होगा, साधु लोग सारे पापों को साधु लोग ग्रहण कर लेंगे। इसलिए कहते एक समय प्रभुपाद उन्होंने किसी तीर्थ में गए थे, जब तीर्थ में गए थे चार पांच सीढ़ी ऊपर प्रभुपाद खड़े हुए थे और प्रभुपाद को साथ में जो भक्त लोग थे ना देखा, वो जाते ही पानी अपने आप उफनना शुरू कर दिया और पानी उफनते 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 कहते प्रभुपाद का चरण को स्पर्श किया, स्पर्श करके पानी फिर धीरे 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 नीचे उतर गया। प्रभुपाद को साथ में जो भक्त लोग थे उन लोगों ने साक्षात दर्शन किया ये चीज हैं। इसलिए तीर्थ सोचते हैं कब साधु लोग यहाँ पर आए और साधुओं का स्पर्श, हमें साधुओं का स्पर्श को प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं अब तो तीर्थ जाने का कोई जरूरत नहीं था, तीर्थ को तीर्थों तो प्रदान करने के लिए आप गए थे, आप कृपा करके बताओ आप कौन सा तीर्थ में गए और क्या क्या दर्शन किया। तब श्री विदुर जी सारी बात उन्होंने सुनाए कौन सा तीर्थ में गए, लेकिन एक बात उन्होंने नहीं सुनाए, क्योंकि कौन सा बात नहीं सुनाए, कैसे हाँ कृष्ण कैसे अपना प्रभास क्षेत्र में जा कर कैसे आपस में लड़ कर के कैसे आपस में खत्म हो गए, ये जद्दुवंश कैसे ध्वंस हो गया, उन्होंने ये सब बात को उन्होंने नहीं सुनाए। क्यों? कृष्ण संसार छोड़कर चले गए थे है, कृष्ण चले गए थे, ये बात को उन्होंने उन्होंने छुपा दिया ये बात को। उसको बाद में जब अभी सुन रहे थे ना, जब विदुर जी आए इतने में देखा अभी भी धृतराष्ट्र पड़ा हुआ है, अभी भी घर नहीं छोड़ रहा है। और भीमसेन जब खाने देने के लिए जाते हैं ना, जैसे कुत्ते को जैसे रोटी फेंक करके देते हैं ऐसे ही थाला में सजा करके दूर से खिसका देते हैं, बोले खा, कुत्ते के जैसे खिलाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने इतना बदमाशी किया। आप लोग महाभारत देखे, उन्होंने हर समय दुर्योधन का पक्ष लिया और हर समय पांडवों को मारने के लिए सारा जीवन उन्होंने कोशिश किया पांडव लोग कैसे मर जाए। और लास्ट में जब सब मर गए, उसने बोला ना लास्ट में मेरी एक इच्छा भीम से थोड़ा मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहता था? अब देखे ना, एकदम भीम को पकड़ कर चकनाचूर कर दूंगा। कृष्ण को सब कुछ पता है, उसने क्या किया, एक लोहे का भीम बना कर रख दिया, लोहे भीम बना करके बोले कृष्ण, जब कृष्ण को बोले भीम के नहीं लोहे भीम को आगे जब सरका दिया ना, इतने जोर से पकड़ा, हाँ जितने ताकत था इतने जोर से पकड़ा, लोहे का भीम भी चकनाचूर हो गया, लोहे का भीम बाद में रोने लग गया। मेरे लोहे मैंने जितना उसका क्रोध था ना उसका अंदर में हृदय में जितना उसका ईर्ष्या क्रोध था वो सारे को सारे निकाल दिया, लेकिन बाद में रोने लग गया, पता चला भीम मरा नहीं जिंदा है। कृष्ण बोले मेरे को सब बात पता है तुम क्या करने वाले हैं, इसलिए उसको कुत्ते जैसे रोटी फेंक कर देते हैं ऐसे देते थे। और उसको बोले अभी भी कुत्ते जैसे रोटी फेंक, अभी भी तू बैठा हुआ, अभी तेरे संसार से विराग नहीं आया, बूढ़े हो गए जिंदगी भर द्वेष करते करते कृष्ण भक्तों को पांडवों को जीवन गया। और अंतिम समय में कहते ना पंचांश ऊर्धे बनम ब्रजेत, 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, अभी भी कुत्ते जैसे रोटी बैठ कर खा रहे हो, जिंदगी भर जिनकी ईर्ष्या द्वेष किया, शर्म तुमको आनी चाहिए। कभी कभी लोगों को ना है शर्म नहीं आता है, इसलिए उनने ऐसे कड़ी कड़ी वचन बोले। धृतराष्ट्र बोला आँख से अंधा अभी मैं क्या करूँ, आँख से अंधा दिल से भी अंधा है, अभी मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ कहाँ। बोले क्यों चिंता करते मेरे साथ में चलो, लेकिन युधिष्ठिर को बोलना नहीं। उन्हें राता रात छुप करके उन्होंने राज प्रसाद त्याग करते हुए धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर तीनों चले गए भजन करने के लिए हिमालय तरफ में चले गए। युधिष्ठिर का नित्य नियम रोज था सवेरे 8 आ करके प्रणाम छुआ करते थे। देखो युधिष्ठिर कैसे
नाम ही युधिष्ठिर है, जिसने जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश किया, इनके हृदय में कोई ईर्षा दोष नहीं, रोज आकर के उनकी चरण को स्पर्श करते हैं। हैं, स्पर्श करने के लिए जब सबेर आया, देखा घर खाली कोई है नहीं, बोले कहाँ चले गए, दुखी हो गए, बोले किसी कुएं में नहीं तो पानी में लगकर आत्महत्या तो नहीं कर दिया, गए कहाँ, बड़े दुखी हो गए, हैं बड़े दुखी हो गए। इतने में नारद जी आकर के बोले, बोले कोई चिंता मत करो, अभी ये भजन करने के लिए गए, सप्तम दिन में उन्होंने अपना शरीर को त्याग करते हुए भगवत गति को प्राप्त करेंगे। आकर के उन्होंने उनको सांत्वना दिया। इधर क्या हुआ, जैसे अर्जुन कृष्ण को लेकर के द्वारका में गए तो 7 महीना हो गया, लेकिन अभी तक अर्जुन वापस नहीं आ रहा है, और युधिष्ठिर महाराज का सारे अपशकुन दिख रहे थे। क्या देख रहे थे, उनकी बाम बाहु फड़क रहा है, बाम आंख फड़क रहा है, और कौए का 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 कर रहे हैं, सियार चित्कार कर रहे हैं, हैं खून की बारिश हो रहा है, जितने सारे अपशकुन देख रहे थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंता में थे, क्या हो गया, अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आया, अर्जुन क्यों नहीं आया। इतने में देखते देखते देखा, इतने में अर्जुन को आते हुए उन्होंने देखा, हैं अर्जुन को जब आते हुए देखा, सारे उसका चेहरा लटका हुआ, शरीर में कोई तेज नहीं, श्रीहीन अवस्था, और रो रहा है, दुखी दुखी। युधिष्ठिर महाराज देख करके बोले, अर्जुन क्या हो गया तेरा, ये सारे तुम्हारे चेहरा लटका हुआ क्यों, क्या तुम बिना खाना खिलाए किसको खा लिया, ना अगम्य स्त्री, जिस वेश्या के प्रति गमन नहीं करनी चाहिए, ऐसे किसी स्त्री का प्रति तुमने गमन किया, ना किस कहीं किसने तेरे को परास्त कर दिया, एक एक बात उन्होंने बताने लगे। लेकिन अर्जुन फूट फूट करके रो रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बोले बता तो सही, क्या हो गया तेरा, तू तो ये सब गलत काम कभी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अर्जुन हो, हैं कृष्ण भक्त, ये गलत काम तो कभी कर ही नहीं सकते हो, बताओ हुआ क्या तेरा है। इतने में जब युधिष्ठिर महाराज बोले, हो ना हो, कृष्ण तो ये जगत छोड़कर चले नहीं गए, बस इतना बोलना था। अर्जुन तो फूट फूट करके रोने लग गए, बोले भैया आप सही बता रहे हो, जो हृदय के प्यारे, आंखों के तारे, हमारा जो हृदय सर्वस्व, जो भगवान सचमुच उसका नाम हरि है, हरि मतलब क्या, सब कुछ हरण करके जो चले गए, सचमुच उसका नाम हरि है, इसलिए उनने सब कुछ हर करके ये जगत छोड़ करके वो चले गए। अर्जुन तो रोने लग गए, जो रोने लग गए, इतने में अर्जुन कृष्ण का एक एक बात को स्मरण करते करते रो रहे हैं। बोले भैया आपको पता है, बोले क्या पता है, बोले ये जरासंध को वध करना कोई साधारण बात नहीं था, क्योंकि उनका राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, हाँ उनको वध करना साधारण बात नहीं था, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही जब भीम भैया युद्ध कर रहे थे, 7 दिन तक 8 दिन तक युद्ध हुआ है, इसलिए कुछ तरह से मरेगा नहीं, क्यों, वो जरा नाम की राक्षसी से उसने खा लिया था, इसको जोड़ दिया था, उसको बड़े पिछना कहानी है, इसलिए जब तक उसका शरीर को फाड़ करके इधर इधर इसको उधर उल्टा नहीं फेंकोगे वो मरेगा नहीं। लेकिन किसकी कृपा से ही जरासंध भीम भाया ने वध किया, बोले इनकी कृपा से ही। कहते आपको याद होगा, ये दुशासन को भी मारना कोई साधारण बात नहीं था, हैं ये दुशासन को, लेकिन किसकी कृपा से ये दुशासन को मारे भीम भैया, बोले ये कृष्ण की कृपा से ही। और कहते ये एक संगे कृष्ण को साथ में हम रहे, भोजन किया, उनको साथ में सब कुछ किया है, इसलिए आपको पता होगा हमारे जीवन में कितने कितने बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन ये सारे विपत्ति से हमें उद्धार करने वाले कौन है, बोले कृष्ण ने ही, हम उसको सारे विपत्ति से कृष्ण ने ही हमें उद्धार किया है, इसलिए अभी वो कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए। जब कृष्ण चले गए उसी समय में कृष्ण मेरे को बोले, बोले अर्जुन जब मैं चला जाऊंगा ये जो समुद्र आकर के ये द्वारकापुरी को डुबो देगा, ये द्वारकापुरी नहीं रहेगा, तुम एक काम करना, ये महिषियों को तुम साथ में लेकर चले जाना। मैंने महिषियों को साथ में लेकर आ रहा था, लेकिन आते आते मैं देखा रास्ता में कुछ ग्वालिया आ गए, हैं कुछ ग्वालिया आकर के मेरे को डंडा दिखा करके, हैं मेरे को डंडा दिखा करके भगाते हुए सारे महिषियों को लेकर चले गए।
जिस गांडीव को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को मैंने जय की थी, मैंने वो गांडीव को उठा नहीं सका, क्यों कृष्ण चले गए ना, वो सारे शक्ति लेकर चले गए, वो गांडीव मेरे से उठी ही नहीं। और हमें डंडा दिखाकर महिषियों को हाँ करके ले गए, मैं बड़ा आश्चर्य होता हूँ। तब यहाँ कहते हैं, बोले भैया ये महिषियों को डंडा दिखाकर कौन ले गए, ये ग्वालिया कौन है? बोले ये ग्वाल यानी ये कृष्ण स्वयं है, हैं? कहते ये कृष्ण स्वयं। कहते एक समय क्या हुआ था, अष्टवक्र ऋषि आ रहे थे, आते समय जो महिषियाँ पहले ये सब राजकुमारी थी, राजकुमारी थी तो अष्टवक्र ऋषि को आठ जगह से वो टेढ़े हैं, जब आ रहे थे ऐसे 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 करके हंगी भंगी से आ रहे थे। और ये जो लड़कियां थी तो अभी अष्टवक्र ऋषि को देख रहे ना, उन्हें बोले खिली उड़ाए, देखो बाबा को देखो कैसे आठ जगह से ऐसे 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 करते, जब खिली उड़ाई, इतने में अष्टवक्र ऋषि ने ये सब राजकुमारियों को अभिशाप दिया, भले तुम लोग मेरे को देख कर खिली उड़ाते हो, मैं अभिशाप देता हूँ तुम लोगों को, डाकू तुम लोगों को सब चोरी करके डाकू लोग ले जाएंगे। जब उनने अभिशाप दिया, इतने में ये सब के सब दुखी हो गए, ऋषि चरण में गिर करके माफ़ी मांगने लगे, बोले बाबा हमें अपराध माफ़ कर दो, हमारी अपराध हो गया, आपको देख कर हम खिली उड़ाए, हमारा आशीर्वाद करो। संत बड़े दयालु, बोले ठीक है अभिशाप तो दे दिया लेकिन तो होगा, लेकिन वो डाकू नहीं, ये कृष्ण स्वयं डाकू रूप धारण करेंगे, कृष्ण स्वयं ग्वालिया रूप धारण करते हुए तुमको हरण करके ले गए। बोले कहाँ हरण करके ले जाएंगे? बोले ये महिषियों ने जब ब्रज गोपियों की, जब राधा रानी को महिमा को इन लोगों ने, उनको पता चला इनकी महिमा कितना है, लक्ष्मी भी जिन चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाए, रासों में प्रवेश नहीं कर पाए, इनके हृदय में भी गोपी भाव से भजन करने की इच्छा हुई, इसलिए बीच में कृष्ण आए और महिषियों को उन्होंने अपना धाम में ले गए, है? इसलिए कहते उसी समय मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, है? कुछ भी मैंने नहीं कर पाए। इतने में जब उन्होंने वहां पर मैया कुंती थी, जब कुंती को ये बात पता चला कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए और संसार में रहे ही नहीं, वो कुंती माता सुनते ही वहीं पर अपना शरीर को त्याग देती है। कुंती शिक्षा क्या देती है, बोले जब इस संसार में कृष्ण ही नहीं रहे, बोले ये शरीर रख कर क्या लाभ है, ये शरीर का महत्व कब है, जब कृष्ण दर्शन कृष्ण सेवा हो तभी तो ये जीवन का लाभ है ना, अगर ये जीवन में कृष्ण दर्शन कृष्ण सेवा नहीं हो, कहते ना जीवन सबो भागवता गृणु न जात मर्त अभिलभत जस्तु श्री विष्णु पद्या तुलस्या गंध। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते जीवन सबो, मतलब वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मरा है, मतलब कौन है जिंदा रहते हुए मरा, भागवत कहता है देखे हो कोई श्वास प्रश्वास ले रहा है, चल फिर रहा है लेकिन वो मरा हुआ, बोले कौन है, बोले जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन मिलने पर भी कहते श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या, कहते जिन्होंने भगवान की चरण की तुलसी चंदन को जिन्होंने घृणित आघ्राण नहीं किया और ये जीवन पाकर के जो भजन नहीं किया, कहते जिंदा रहते हुए भी वो व्यक्ति मरा है। इसलिए कहते तरवह किम न जीवंती, अगर जिंदा अगर रहना ही सबसे बड़ा बात हो, बरगद पेड़ पीपल पेड़ हजार हजार साल जिंदा रहता है, हैं? तरबह किम न जीवंती भस्राम के न ससंतु, तो अगर श्वास प्रश्वास लेना यही सबसे बड़ी बारी बात हो, एक हाँ ये होता है भस्रा, क्या बोलते हो, धोकना धोकनी धोकनी, वो भी श्वास लेता है वो भी श्वास छोड़ता है, हैं? न खादंती, अगर खाना सबसे बड़ी भारी बात हो, क्या जानवर क्या खाते नहीं, न मेहनती, अगर बच्चे जन्म देना अगर सबसे बड़ा बात हो, कहते भैया क्या कुत्ते सुअर गधे क्या बच्चे जन्म नहीं देते हैं, इसलिए कुंती भैया शिक्षा देती हैं तब भी ये जीवन को धारण करनी चाहिए, अगर ये शरीर से अगर कृष्ण भजन होता है कृष्ण भक्ति अगर जीवन में हो तभी ये शरीर को धारण करो, अगर ये शरीर से भगवान के दर्शन भजन नहीं होता है भैया इस शरीर को रख कर कोई लाभ नहीं, ये शरीर को त्याग दे दो, हैं? इसलिए जब मैया कुंती शरीर छोड़ दिया, पांडव ने देखा भैया हम क्यों रहे, इन्होंने श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर के राज सिंहासन में उनको बैठा दिया और बैठा करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी चले गए, बोले कहाँ चले गए,
बोले उन्होंने चले गए हिमालय तरफ में चले गए। बोले सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उसके बाद में सहदेव, नकुल, अर्जुन, उसके बाद में भीम और लास्ट में श्री युधिष्ठिर महाराज। कहते भैया सब गए तो गए कहाँ? कहते ये लोग साधारण नहीं, ये सब के सब द्वारका परिकर, कृष्णा के द्वारका परिकर है। वो असली रूप में जो द्वारका का परिकर ये लोग थे, ये लोग तो द्वारका में चले गए, कृष्ण लीला में चले गए। लेकिन जब ये पंच पांडव आए थे, इनकी शरीर में जैसे युधिष्ठिर महाराज का शरीर में धर्म का अंश था, भीम के शरीर में पवन कुमार का अंश था, पवन का अंश था, अर्जुन में इंद्र, अर्जुन में अंश रूप में आए थे, और नकुल सहदेव में अश्विनी कुमार द्वे थे। ये लोग मिल करके इनके शरीर में आए थे, इसलिए इन लोगों ने तो अपना अपना स्थान में चले गए। और जो ये लोग जो असली जो स्वरूप में ये लोग भगवान का धाम में ये सब के सब चले गए। जब चले गए, जब उन्होंने श्री युधिष्ठिर श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का जब राज सिंहासन में बैठाए, और इनको जो साधी हुई उसका नाम क्या नाम था, ईरावती को साथ में उनको साधी हुई, और इन्होंने जन्मेजय आदि उनको चार संतान हुए हैं, और इन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ की। जब यज्ञ कर रहे थे, इतने में एक दिन उनको ऐसे लगा जैसे उनके राज्य में कुछ सु अनहोनी सा हो रहा है। तो मेरे बोले मेरे राज्य में अनहोनी सा कहा हो रहा है? इतने में श्री कहते श्री कौन परीक्षित महाराज, उन्होंने अपना चतुरंगिनी सैन्य सामंत को लेते हुए उन्होंने निकले, और निकलते समय और कहीं कहीं आता है उन्होंने सांडिल ऋषि को साथ में लेकर गए थे, और कृष्ण लीला स्थलियों को प्रकाश करते 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 वो जा रहे थे। जब करते करते जा रहे थे, इतने में हठात चलते चलते उन्होंने और चारों तरफ दिग्विजय करने के लिए जब निकले थे, उसने हठात उन्होंने देखा, क्या देखा, वहाँ पर एक त्रिपाद रही तीन प्यार से सुन्न एक बैल को देखा, और देखा क्या, एक गैया को देखा है। एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही थी, और जो ये बैल है उसका एक प्यार है, और ये आपस आपस में बात कर रहे थे, और देखा एक है एक शूद्र है, एक शूद्र राज वेशधारी उसका जो एक प्यार में खड़ा था उसको भी मार 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 कर इसको तोड़ने के लिए प्रचेष्टा कर रहा था, और ये दोनों अझोर नयन से क्रंदन कर रहे थे। अभी ये चीज को देख करके परीक्षित महाराज को तो बड़ा दुख हुआ, कहते मेरे राज्य में और मेरे राज्य में इतना अनहोनी है, और दुर्बल प्राणी के ऊपर में इतना अत्याचार। परीक्षित महाराज देख करके उनको बड़ा क्रोध आया, क्रोध आया तो उन्होंने म्यान से तलवार को निकाले और झपट पड़े, झपट पड़े। लेकिन वो जो शूद्र वेशधारी राजा वो कौन था, कौन था ये, कहते ये कली था। लेकिन ये कली ने देखा ये अर्जुन का वंशधर है, कहते अर्जुन का वंशधर में एक विशेष गुण, बोले क्या गुण है, कहते अगर कोई व्यक्ति जितने बड़े पाप क्यों क्यों नहीं किया हो, अगर इनके चरण में कोई एक बार प्रणाम कर लेना शरणागत हो जाए, वो कभी उसको मारते नहीं। इनके अंदर में एक विशेष गुण है, शरणागत व्यक्ति को रक्षा करते हैं, इसलिए देखा इनसे तो बचना बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा सीधा उनके चरण में लेट गए। जब लेट गए, बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा तुम्हारी ये सब इतना कष्ट क्यों है, इस जब उन्होंने बोले तुम्हारी ये कष्ट क्यों है, तो उसी समय में तो वो था धर्म है, तो धर्म कहता है बोले देखो दुख का जो कारण है अलग अलग मतभेद है, अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं ये दुख का कारण क्या है। बोले किसको किसको क्या मतभेद है, कहते योगी लोगों का जो मत है, कहते ये आत्मा के हैं ये कारण से कहते ये दुख होता है। कहते नास्तिक लोग क्या कहते हैं, कहते निज देह निज शरीर हैं निज शरीर को ही ये दुख का कारण बताते हैं। कहते जो अदृष्टवादी कहते ये किसको कहते हैं, बोले दैव को है, बोले देवता के द्वारा ये सब दुख का कारण है। कहते मीमांसक लोग कहते ये कर्म को दुख का कारण मानते हैं, और कहते सांख्य मताविलंबी कहते ये प्रकृति को ये दुख का कारण, ये प्रकृति को ही दुख का कारण मानते हैं। तब ये धर्म कह रहा है देखो
आप तो वैष्णव हो हैं, इसलिए ये वैष्णव लोगों का क्या सिद्धांत है, आप स्वयं कृपा करके इसको स्थिर करो। वैष्णव लोग जीवन में जो दुख आता है ये लोग क्या बोलते हैं, वैष्णव का सिद्धांत, वैष्णव का सिद्धांत क्या है, तत्वनुकंपा सुषुमिक्षमाण भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्तों का जो मत है आत्मकृतम विपाकम, ये सारे दुख का कारण है अपना किया हुआ कर्म का ये फल है। इसलिए कभी किसको पर दोष नहीं देनी चाहिए, भैया अमुक के वजह से ये हो गया, अमुक का वजह से ये हो गया, अमुक ने ऐसे कर दिया, अमुक ने, भैया कोई किसके प्रति कोई कुछ करता नहीं, अपना जीवन में हमने जो कर्म किया है वो कर्म का फल ही हम भोग कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जय जीवत समुक्तिपद दाइवा, इसलिए जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का फल मांग करके भोग लो, लेकिन प्रभु का भजन कभी मत छोड़ो, भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ा करो। हैं कभी कभी होता ना थोड़ी बहुत भजन में दुख कष्ट आए तो कुछ तो छोड़ेंगे नहीं, खाना पीना सोना माला छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे। भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। इसलिए ब्रह्मा कहते जब जीवत समुक्ति बद दाइवान, इसलिए ब्रह्मा जी कहते तुम्हारे पिता कौन है, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता कोई साधारण है ही नहीं, उनका अथा संपत्ति का मालिक, रस बैस रसम जवायाम लब्ध्वा आनंद भवति, वो स्वयं रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, लेकिन उसको कब तुम भोग करोगे, उसका तुम दाय भाग कब बनोगे, उसकी अधिकारी बन कब बनोगे, जिंदा रहोगे तब तो बनोगे, अगर मर गया पिताजी का संपत्ति थोड़ी मिलेगा। मतलब है अगर तुमने भजन छोड़ दिया फिर संपत्ति का अधिकारी बन नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीवन में जो कुछ हुआ है अपना कर्म का फल मान करके भोग लो अपना। और एक बात है, हम जीवन में पाप को नष्ट करना चाहते हैं ना पुण्य को, बोलो जगत में पाप नष्ट करना चाहते ना पुण्य को नष्ट करना चाहते, कोई भी पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते, सब कहते भैया पाप कैसे नष्ट हो, ये बोलते ना पाप नष्ट हो जाए, लेकिन पाप कैसे नष्ट होगा, भोगा करके ही नष्ट होगा। इसलिए दुख कष्ट आ रहे हैं मतलब है हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और आगे हमारी पुण्य आने वाली है। इसलिए यहाँ पर कहते आप वैष्णव का सिद्धांत में जो कुछ चाहते हो अब इस चीज को आप विचार करो, तो बोले धर्म का चार चरण है, धर्म का चार चरण है, क्या क्या चार चरण है बोलो, तप शौच दया और सत्य, ये धर्म का ये चार चरण ये धर्म का है, तप शौच दया और सत्य। लेकिन ये कलयुग में ये जो धर्म है केवल एक प्यार में खड़ा हुआ है, तीन 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 जो धर्म कलयुग में नष्ट हो गया है। लेकिन ये कली ये क्या करना चाह रहा है, ये कली सोचता है कलयुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, सारे धर्म कर्म को मैं नष्ट कर दूंगा, इसलिए जो एक प्यार से खड़ा हुआ उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने पृथ्वी को पूछे भैया तू रो रही क्यों, तेरे रोने का क्या कारण है, बोले कारण ये है जब कृष्ण इसी संसार में थे, कहते सत्ययुग में चार धर्म चार चरण में सत्ययुग में था लेकिन कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, इसलिए कृष्ण जब राजत्व कर रहे थे द्वापर युग में धर्म भी चार चरण में धर्म पूर्ण रूप में धर्म था, चार चरण में पूरा के पूरा धर्म था, लेकिन कृष्ण जब चलते थे कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जो घास रूप में पृथ्वी घास नहीं, जैसे कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। गोपियां कहती है ना कि जो झरना बह रही है, झरना क्यों गिरिराज में झरना क्यों बह रहे, बोले झरना नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे हमारी शरीर पुलकित तो हो जाता है प्रेम में गदगद हो जाता है, कहते आंसू बह रही है ये झरना नहीं ये आंसू हैं। भगवान जब चलते थे पृथ्वी के ऊपर में कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है, इसलिए कृष्ण जब चलते थे क्या होता था सुंदर सुंदर चरण का छाप पड़ता था, पृथ्वी कृष्ण का चरण छाप को हृदय में धारण करते हुए इतने प्रसन्न होती थी, क्या मेरी सौभाग्य है, हैं प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे ठाकुर जी, कितने सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, पृथ्वी कितने सौभाग्य मानती थी। लेकिन अब कृष्ण चले गए, जब चले गए बोले कलयुग में ये फिर पृथ्वी क्यों दुखी हो रही है, ये गाभी पृथ्वी क्यों दुखी हो रही है, बोले ये कलयुग आने वाला है,
कलयुग आने पर कहते जो शूद्र है, देखो पहले से ही बता दिया भागवत में, कहते कलयुग में जो शूद्र लोग, कलयुग में ये शूद्र लोग राजत्व करेंगे, इसलिए ये कली दुखी हो रही हैं मेरे ऊपर में, ये शूद्र लोग कैसे राजत्व करेंगे। लेकिन पहले मैंने हम लोग सुनते थे जब किसी व्यक्ति को कोई उच्च पोस्ट दिया जाता था ना, जिसको तिसको उच्च पोस्ट नहीं दी जाती थी, जिसको तिसको नहीं देते, शूद्र लोगों को तो वो जो सेवा वही सेवा करते थे, देखते थे इसका वंश कौन सा वंश में जन्म लिया है, इसका वंश में लोग कैसे कैसे लोग आए हैं, हाँ इनका वंश कैसे है, उन्नत वंश है कि नहीं, क्योंकि वो ऊंचा सिंहासन पर बैठेगा वो विचार देगा। हाँ अगर शूद्र को अगर विचार देने के लिए बोलोगे, हाँ जिसको तिसको तो फांसी का ऑर्डर दे देगा ये है, इसलिए बहुत विचार करके तब किसको बड़े पोस्ट देते थे, सबको बड़े पोस्ट नहीं दिया जाता पहले है, जोर जबरदस्ती नहीं था, हाँ वोट दे दिया और छुपा करके जोर जबरदस्ती उसको वोट दिलवा करके स्वयं राज सिंहासन पर बैठ जाए, पहले ऐसे नहीं होता था, इसलिए पृथ्वी दुखी हो रही है, ये शूद्र आकर के मेरे ऊपर में राजत्व करेंगे, कलयुग में धर्म नहीं रहेगा, इसलिए वो दुखी हो रही है। इसलिए उन्होंने कली को उन्होंने स्थान दिया है, कली को उन्होंने स्थान दे दिया, कली बोले मेरे को स्थान दो, बोले नहीं तेरे को स्थान नहीं दूंगा, बोले मैं जाऊंगा कहाँ पर, जब सारे युग अपना अपना राज्यों तो की, अभी तो कलयुग आ गया, अभी मेरे को अपना स्थान देनी चाहिए, तब उन्होंने बहुत सोचा इसको दूं कि नहीं दूं। देखा यद्यपि ये कलयुग पाप का युग है, लेकिन कलयुग में एक धर्म भी है, इसलिए क्या धर्म है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बध परम ब्रजे कले दोष निधे राजन। कलयुग में तो दोष दोष है, लेकिन एक गुण है, अगर थोड़ी सी हरि नाम संकीर्तन करे इसको द्वारा जीव संसार से पार हो जाएंगे। और उन्होंने क्या देखा, ये जो कलयुग है धन्य कलयुग है, ये कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आने वाले, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, और इसी युग में महाप्रभु आकर के सब दीन हीन दुख दरिद्र सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु आसानी से ही ये कलयुग में वो प्रेम को प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहते चार नियम को पालन करना पड़ेगा, कितना नियम को, चार। पहला नियम क्या, बोले दुतम, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है, इसलिए जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है, हैं? इसलिए जुआ खेलने से सत्य खत्म हो जाएगा। पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ड्रग्स, हैं ये जो ड्रग्स फक्स लेते हैं ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से क्या खत्म हो जाए, तपस्या, ये तपस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तपस्या कब करोगे, भजन कब करोगे, बुद्धि जब स्थिर होगा तभी तो भजन करोगे, ये शराब पीने से गंजा फूकने से ये ड्रग्स लेने से बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगा हैं, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा फिर भजन भजन क्या करोगे, भजन भजन नहीं होने वाले से हैं। कोई कहते ना भांग लेने से बुद्धि सही रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग में सोचने का कोई ये नहीं रहता। और जो तीसरा नंबर है स्त्रियम, कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है, बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है, बोले जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, हैं बगैर शादी के, हैं जो बगैर शादी के जो स्त्री दूसरे पुरुष से, पुरुष जो दूसरे स्त्री से संपर्क रखते हैं, कहते अवैध जो स्त्री संग वहां पर धर्म का तीसरा चरण पवित्रता, यहाँ पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए राय रामानंद संवाद में हैं जब वहां पर बताए, बोले कह राय साधर निर्णय, तो राय रामानंद क्या कहते हैं, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति आए, इसलिए वहां पर जो शुरुआत करते हैं वो दैव वर्णाश्रम को, दैव वर्णाश्रम को स्थापन करते, इसलिए संसार करो साधी सुधा करके पति पत्नी मिल करके धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ धर्म को जाजन करनी चाहिए, बगैर शादी के जो अवैध रूप में जो स्त्री संग है वहां पर धर्म नष्ट हो जाती है, वहां पर धर्म नहीं रहती है, वहां पवित्रता नष्ट हो जाएगी, इसलिए वहां से धर्म शुरुआत वहीं से उन्होंने किया है, हैं शुरुआत वहीं से करते हैं, यहीं से ही भक्ति शुरुआत होती है।
इसलिए भ्रष्टाचार करने से भगवत भक्ति नहीं होता है, हैं? भ्रष्टाचार से भगवत भक्ति नहीं होता है, इसलिए दैव वर्णाश्रम जाचन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। जो चौथा है कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा से क्या होता है, उसमें जीव हिंसा करने से दया खत्म हो जाती है। जिसके हृदय में दया हो वो कभी दूसरे जानवर को कभी मार नहीं सकता है, हैं? जिसके हृदय में दया नहीं वही व्यक्ति दूसरे जानवर को मार सकता है। और यहाँ पर कह रहे हैं जो जो चार तरह का जो अधर्म है, कहते सबसे बड़ा जो अधर्म बताया ये जीव हिंसा, ये जीव हिंसा को बताया सबसे बड़ा अधर्म, ये जीव हिंसा से, ये जीव हिंसा से। और जो तीन तरह का जो अधर्म, कहते जो जीव हिंसा करता है वो कोई भगवत भक्ति कर ही नहीं सकता है, यहाँ मना कर दिया भगवत भक्ति कभी वो कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कहते उसके अंदर में कभी भी पवित्रता नहीं रहेगी, उसके अंदर में हैं, उसके अंदर में सत्यता नहीं रहेगी, इसके अंदर में दया नहीं रहेगी, इसके अंदर में तप नहीं रहेगा। जो ये मांस मछली आदि अंडा आदि भोजन करेगा, सबसे ज़्यादा पाप है ये जीव हिंसा में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भागवत में एक श्लोक है, हैं? कहते जे त्वनेवं विदसन्तु सदा सदभिमानिना पशूनु दृहन्ति बृषद्या प्रत्याखादन्ति चेततान। कहते ये शायद मनु संहिता का श्लोक है, कहते भागवत में भी श्लोक, कहते भागवत में ये श्लोक है। कहते इसी जीवन में जो जिसी को काट करके खाता है वो अगली जीवन में फिर वही उसको काट करके दो बार खाता है, हैं? इसलिए कहते जित कहते अनुमंता विषमिता निहंता क्रय विक्रयी सहरता चोपा भरता तो खादक चेति घातक। श्लोक याद है? हाँ, और श्लोक याद है कौन सा? हाँ, इसलिए कहते हैं, कोई कोई कहता है ना, बोले थोड़ी हम जानवर को मारते हैं, हम तो खाते हैं। कोई कोई कहते ना, हम थोड़ी जानवर को मारते हैं, हम तो जानवर को खाते हैं, हैं? कोई कोई कहता है हम थोड़ी जानवर को खाते हैं, हम तो रसोई बनाते हैं। कोई कोई बोलेगा हम थोड़ी जानवर को खाते हैं, हम तो परिवेषण करते, केवल खिलाते हैं, हम केवल खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताए छह व्यक्ति को पाप को छह व्यक्ति को लेना पड़ेगा, हैं? कहते कौन? बोले अनुमंता, जो अनुमोदन करता है इस जानवर को काटो, जो अनुमोदन करता है, निहंता जो मारता है, क्रय जो खरीदी करता है, विक्रयी जो बिक्री करता है, संस्कर्ता चोपहरता खादकस चेति घातक। यहाँ पर छह तरह का बताया, क्या क्या इसमें बताया? बोले छह तरह से ये पाप, ये छह तरह से छह व्यक्तियों को ये पाप बांट करके लेना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने चार जगह पर जगह दे दिया ना, लेकिन ये कलिजी को तभी प्रसन्न नहीं हुआ। बोले कहाँ कहाँ मैं घूमूंगा, कौन ये पाप कर्म कर रहा है, मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, कौन कौन ये पाप कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जैसे एक स्थान में सब कुछ जैसे मिल जाए। फिर उन्होंने कहाँ स्थान दे दिया? सुवर्ण में, उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया, हैं? कहती जितना अक्सर करके देखिएगा, ये जितनी ये चार तरह का पाप है, जहाँ ज़्यादा पैसा वहीं पर ज़्यादा करके होता है। बताओ ये शराब कौन पिएगा इतना दाम पैसा दे करके, जिसको खाना नहीं मिलता है शराब पिएगा वो? और मांस 500, 600, 700, 1000 तक है, 1000 रुपया तक एक किलो मांस है, अभी कौन खाएगा जिसको हाथ में पैसा है? जुआ कौन खेलेगा बोलो? ये जुआ कौन खेलेगा जिसको पास में ज़्यादा पैसा है, हैं? और बेसिया घर में कौन जाएगा जिसको पास में ज़्यादा पैसा है? कहते जितने सारे पाप है ये पैसा में, ये सारे पाप को उन्होंने ये पैसा में सारे पाप को दे दिया, हैं? इसलिए ये पैसा जितने अनर्थ का कारण है। लेकिन कहते लक्ष्मी की दो वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़ है। लेकिन जब ये पैसा को हम भगवत सेवा में नहीं लगाएंगे, जब अपना भोग में लगाएंगे, तब वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएंगे। लेकिन जब ये पैसा को हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे, फिर ये पैसा लक्ष्मी है, हैं? लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो ठाकुर जी का है। जब ये ठाकुर को सेवा में लगेगा, फिर वो गरुड़ को पीठ पर बैठ करके आएगी, फिर तो हमारे घर को गोलोक वृंदावन बना देगी। इसलिए अगर पैसा हो,
क्या करो, मतलब जदि थाके बहु धन, नरतमदास ठाकुर कहते हैं जदि थाके बहु धन तबे हबे अकिंचन विष्णु वैष्णव कर उपकार। अगर ठाकुर जी की कृपा से पैसा है लेकिन उसको क्या करो, खुद अकिंचन बन करके पैसा लक्ष्मी है, ये साधु संत की सेवा और ठाकुर को सेवा में अगर पैसा लगे तो फिर ये पैसा की सार्थकता है। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वंशा कल्पतरु।